व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है, और अगर तो पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट है तो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये है जी कीवी, ये मेरा भाई लेके आया था, मेरी मोस्ट फेवरेट है। लेकिन जब ये खट्टी निकलती है तो मेरा गला फिर पूरा महीना ख़राब रहता है, लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ, आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ। और आप में से किस किस को पसंद है ये जी? मैंने काट के तो फिर ये साथ में ऑरेंज है पड़े हुए हैं, अमरूद के बीच निकाल दिए तो खा रहे थे ये जी। हम जानवरों के लिए पॉट लगा रहे हैं, पानी पीने के लिए मैं और अब्दुल हादी लगा रहे हैं। ये मेरा छोटा सा फ्रेंड है तो इसके साथ मिलके हम दोनों लगा रहे थे। पहले इतनी मुश्किल से हमने ज़मीन खोदी फिर लगाए। मैं जितने भी बर्तन लगाती हूँ ना, कुछ भी रखती हूँ पानी जानवरों के पीने के लिए, बिल्ली डॉग्स वगैरह के, तो सारे नशे ही पता नहीं कौन मांगने वाले उठा के ले जाते हैं। ये दोगी देखे बैठी हुई है, सब लोग पीते हैं, और ये भी कोई उठा के ले गया हुआ है। अब मैं इसकी जगह पे दूसरा लगाऊंगी। ये जी मैं ब्रेकफास्ट, ये मुझे CDRS वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से, मैंने उनसे लिए थे। उन्होंने ये सारे इस्लामाबाद में लगा रहे थे तो मैंने उनसे बोला मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने लगाया। फिर ये सानिया मरी के बाद आज कुछ पकाने को दिल नहीं था कर रहा, तो फिर मैंने आज ये आलू गाजर बनाई, क्योंकि मैंने कहा संडे को सब पराठा खाते हैं उठ के, तो ये इसके पराठे के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। मैंने लहसुन प्याज को फ्राई किया, उसमें टमाटर चॉप करके डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल दिया गल जाए, नमक मिर्च हल्दी सालन मसाला सफ़ेद ज़ीरा डाल के बस सिंपल सा बनाना है। इनको मसाले को भून के पहले गाजरें भून लेंगे, फिर आलू डाल देंगे, फिर मैं शोरबे वाला बनाती हूँ थोड़ा ग्रेवी वाला, क्योंकि पराठे के साथ बहुत मज़ेदार होता है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। ये छोटा छोटा चॉप कर लिए मैंने, छोटे क्यूब्स में बना लिए हैं, गाजर भी काट लिया और आलू भी आप जिस चाहे मर्जी शेप में काट सकते हैं। मसाले को भून लिए अच्छी तरह और इसमें आलू डाल के भून लेंगे, फिर गाजरें भी साथ डाल के भून लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून के पहले थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना लेंगे, सूखा धनिया और हरी मिर्च एंड पे डाल देंगे और ऊपर से गरम मसाला, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी बना के पराठे के साथ खा के देखिए कि आपको यकीनन पसंद आएगा। ये साल में एक दफ़ा मैं ज़रूर डिश बनाती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा, एक दफ़ा से ज़्यादा कोई भी नहीं हमारे घर में खाता सब्ज़ी, बस चखते ही हैं, और वो भी संडे को ही है कि कुछ कोई खा ले कोई सब्ज़ी वगैरह, या घर में सब जब होते हैं छुट्टी वाले दिन, वैसे कोई भी नहीं खाता। आप भी बनाइएगा और इंस्टा पे मुझे टैग कीजिएगा, SalmaAshraf058 मेरा कोड है, और नहीं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स में बता दीजिए कि कैसा लगा है। और जी ये आज हम ऊपर कपड़े, धूप निकली है 6 दिन के बाद, बारिशों के बाद शुक्र है फाइनली। तो मैंने कहा आपको मार्गला के पहाड़ दिखा दूँ, एक साइड पे ये देखिए लेफ्ट साइड पे सारे खाली पहाड़ हैं और ऐसे नहा धो के साफ़ सुथरे हुए हैं छत पे, और बादल अभी भी कहेंगे बादल बने हुए हैं। तो मैंने कहा आपसे आपको भी नज़ारा दिखा दूँ। तो इसके दूसरी साइड पर स्नो पड़ी हुई थी मरी वाली साइड पर, वो आपको मैं कल वाले में दिखाऊँगी, और सामने वाली फैमिली बैठी थी इस वजह से मैंने उस साइड पे नहीं किया। ये E11 है सामने नज़र आ रहा है, सारी मार्केट्स और फ्लैट्स वगैरह नज़र आ रहे हो, और इससे पहले इस साइड पे जी ये जो मीनार नज़र आ रहा होगा ना, ये गोलरा दरबार का है, दरबार शरीफ का, ये वो था। मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा दूँ और देख लें आप भी। और मौसम इतना ऐसे फोगी फोगी और बहुत क्लियर नज़र आ रहा, फिर कपड़े धो रहे थे तो ये जी, और ये बेचारे को जब से कॉलर लगा अपनी सफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन वो ऐसे ही प्रिटेंड ऐसे ही बेचारा करता है कि अपनी सफाई कर रहा है, वो कॉलर को ही चाटता रहता है, उसको ही क्लीन करता रहता है कि इस करता है। ये जी मारी दस्तरखान है, ये CDRS वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये मरी में हफ्ते की रात को जब जो सारा डिज़ास्टर हुआ था, जो भी सानिया हुआ था, तो वो सारा खाना बना के 900 डिब्बे इन्होंने खाने चिकन कढ़ाई के, और सारे बिस्किट दूध पानी सारी चीज़ें लेके गए थे, और उनकी हेल्प कर रहे थे जो भी फंसे हुए थे, उनको खाना वगैरह दे रहे थे। ये हमारे सेक्टर में ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, और इनको जो भी आपने फंड्स वगैरह अगर देने हो तो प्लीज़ दिया करें। ये जानवरों की हर तरह की रेस्क्यू करते हैं, जानवरों का, गरीबों का, वीडियोज़ की आप इसकी वेबसाइट जाके देखें, www.cdrsworld.com। इनका चैनल भी है यूट्यूब पे, आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ अगर आप हेल्प करनी है तो इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। नहीं मरी बहुत ही बुरा, बहुत ही अफसोस हुआ है। मैंने भी अंत उठाई थी जाने की, मेरे भाई कहते रोड ब्लॉक है तो हम नहीं गए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्लीज़ आप भी अगर किसी ने फ़ंड रेजिंग करनी हो, इनको देना हो, तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा और दुआ कीजिएगा जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफरत के लिए।